से अपने ऑटो ड्राइवर भाई है, उनका कमेंट्स आ रहा था कि भाई इंजन में कौन सा ऑयल लगाना जरूरी है चाहिए और उसके क्या फायदे है और क्या नुकसान है, ये पूरी डिटेल में। 6 साल के बाद मेरा इंजन खुला है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपना न्यू ब्लॉग आज शुरू हो रहा है और आज के ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ, जैसे अपने ऑटो ड्राइवर भाई है उनका कमेंट्स आ रहा था कि भाई इंजन में कौन सा ऑयल लगाना जरूरी है, तो आज मैं बताने वाला हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से अपने जो ऑटो ड्राइवर भाई है, जो नया ऑटो ड्राइवर भाई है उनके लिए भी है और जो ओल्ड ऑटो ड्राइवर भाई है उनके लिए भी है, क्योंकि अपना चैनल जो है छोटे मोटे बिजनेसमैन को बढ़ाने के लिए और ऑटो ड्राइवर भाइयों को मोटिवेट करने के लिए बना है। तो भाइयों आज के ब्लॉग के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ कि अपने इंजन में कौन सा ऑयल लगाना चाहिए और वो ऑयल कौन से कैटेगरी का चाहिए, इस बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो ऑयल जो है मैंने लास्ट टाइम चेंज किया था औरंगाबाद जाने के पहले, अपने गाड़ी में जो ऑयल लगाया था वो ऑयल था कैस्ट्रॉल का, हमने ऑयल मंगाया था अमेज़न से और वो ऑयल हमने अपने इंजन में लगाया था और उसके ऊपर हमने गाड़ी जो अपनी है 10,000 किलोमीटर चला ली है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कि अपनी जो गाड़ी है पहले 27,600 चली थी और अभी चली है 37,000 अबव हो गई है, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन अपने जो ऑटो ड्राइवर भाई है अपने इंजन में कौन सा ऑयल लगाना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे है और क्या नुकसान है, ये पूरी डिटेल में देने वाला हूँ। तो ये ऑटो ड्राइवर भाइयों को बताना चाहता हूँ, ये अमेज़न से मैंने ऑयल मंगाया है और ये जो ऑयल है वो कैस्ट्रॉल का ऑयल है और ये कैस्ट्रॉल का ये ऑयल डालने से आपकी गाड़ी जो है वो ज़बरदस्त हो सकती है, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ये गाड़ी पे आप अपनी गाड़ी 10-12 हज़ार किलोमीटर इजीली चला सकते हो। और मैंने जो है ये ऑयल मंगाया था, इसकी प्राइस थी, अभी इसमें प्राइस दिखाया है, प्राइस पे मैं थोड़ा जूमिंग करता हूँ, ये जो प्राइस है 556 और ये मुझे अमेज़न से डिस्काउंट में मिला है। तो ये जो ऑयल है ये कैस्ट्रॉल का ऑयल है और ये कैस्ट्रॉल का ऑयल अपने गाड़ी में लगाने से इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अपने ऑटो ड्राइवर भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें नुकसान कुछ नहीं है, आप अगर अपने गाड़ी में ऑयल अच्छे से लगाओगे तो आपका इंजन सुरक्षित रहेगा, जो अपनी क्लच प्लेट है ऑयल में भीगी रहती है उसको अच्छा से ऑयल मिलेगा तो वो काम नहीं देगी। जैसे कि हमारे एक बालू भाई है और उन्होंने अपने गाड़ी में यही ऑयल लगाते हैं, आज वो 6 साल के बाद उन्होंने अपना इंजन का थोड़ा काम किया था, मतलब अभी मेरी जो नई गाड़ी है इसका मैंने 3-3.5 साल में इंजन का काम निकल गया था, मतलब 1 लाख किलोमीटर होने के बाद मेरे इंजन का काम निकल गया था और उसका हेड ब्लॉक और बोरिंग करके उसके बाद उसमें पिस्टन मैंने नया लगाया हूँ। तो ये ऑयल के फ़ायदे है, क्योंकि आप जो अपने गाड़ी में ऑयल लगाते हो CNG ऑयल वो किस तरीके का है, कौन सा ग्रेड है, ये अपने को पता नहीं रहता है और मैकेनिक भाई हमें बताते उस तरीके से हम ऑयल वही लगाते, लेकिन भाई ज़रा सा दिमाग लगाओ कि अपना जो ऑयल लगना चाहिए गाड़ी में वो ऑयल है ये ऑयल आप एक बार लगा के देखिए, आपके गाड़ी में कोई इशू आने वाला नहीं है। तो भाई अपने जो ऑटो ड्राइवर भाई है उनको अगर ये ऑयल मंगाना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ अमेज़न का, अमेज़न पे जाइए अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कीजिए और ये ऑयल आप लिंक से मंगा सकते हो, तो लिंक भी इसका मैं देने वाला हूँ। कैस्ट्रॉल का ये ऑयल है पावर वन क्रूज 20W50 फर्स्ट स्टॉक, तो ये ऑयल आप वहाँ से डायरेक्टली मंगा सकते हो। तो भाई अपने बालू भाई है और इन्होंने अपने गाड़ी में ये ऑयल लगाया था, इसके क्या फ़ायदे हैं? मैं गए 6 साल से ये चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, 6 साल बाद साढ़े सात साल मेरे गाड़ी को हो गए, 6 साल के बाद मेरा इंजन खुला है, वो भी इंजन खुला बोले तो ऑयल उठा रही थी, इसके लिए मैंने उसका हेड ब्लॉक का काम करने के लिए खोला गया, तब जाके मेरा हल्का सा कनेक्टिंग में प्ले आया था तो मैंने पूरा इंजन खुलवा के उसका काम करवा लिया। इसके लिए ये ऑयल इतना बेस्ट और इतना रिक्रूटमेंट है कि ये अपने जो इंजन में जो चिकनाहट रहती है चाहे जो स्पेयर पार्ट के ऊपर जो चिपक के रहना चाहिए ऑयल, तो उस कदर ये ऑयल पूरी तरह से ऑयल चिपका रहता है। ये ऑयल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ऑयल आप एक बार यूज़ करो, क्योंकि इस ऑयल की जो चिकनाहट है जो उसका जो इंजन पे जो चिपकने का जो ये है और वापस इसके अंदर कार्बन भी नहीं पकड़ता है, आप एक बार इस ऑयल को यूज़ करके देखो, चेक करो उसके बाद में, थोड़ा महंगा है पर अच्छा है, एक बार आप जरूर यूज़ करें। तो भाई ये बालू भाई थे और बालू भाई ने ये ऑयल के बारे में आपको पूरी डिटेल तो दे दी है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा अपने ऑटो ड्राइवर भाइयों को कि भाई आप एक बार ये ऑयल यूज़ करके देखिए, आपको खुद ना खुद इसका रिज़ल्ट पता चलेगा,
लेकिन मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कोई भी कंपनी की हम ऐड नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई कंपनी का हम यहाँ पे पैसा लेके कोई ऐड करने वाले हैं। तो अपने को जो फीलिंग होगा वो फीलिंग के हिसाब से, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम ये ऑयल यूज़ किया था अपने गाड़ी में और उसके ऊपर मैंने ये गाड़ी 10,000 किलोमीटर अबाउ चला ली है और अभी मेरे गाड़ी का ऑयल मैं पलटी करने वाला हूँ और इसी माध्यम से मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है कि आपने जो ऑटो ड्राइवर भाई है उनको मोटिवेट करने के लिए और छोटे मोटे बिजनेसमैन को बढ़ाने के लिए अपना चैनल काम कर रहा है, इसी माध्यम से मैंने सोचा कि अपने ऑटो ड्राइवर भाइयों को ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि भाई अपने गाड़ी में कौन सा ऑयल लगना चाहिए। यही माध्यम से मेरा एक प्रयास है और अपने ऑटो ड्राइवर भाइयों उनको बताना चाहता हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से कि अपनी गाड़ी को अगर अच्छे से रखना है तो भाई उसमें कुछ स्पेयर पार्ट के भी रहते हैं इश्यूज, उसके बारे में भी मैं हर टाइम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल पार्ट अपने गाड़ी में लगाइए ताकि वो गाड़ी बार बार गैरेज ना आ पाए। तो भाइयों आइए देखते हैं यह ऑयल निकालने के बाद यह ऑयल का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है वो भी मैं दिखाऊंगा, आइए देखते। तो भाई ये अपनी सुंदरी है और सुंदरी का ऑयल गिराने का काम शुरू है, अभी बंदा आ रहा है और इसका ऑयल हम अभी चेंज करने वाले हैं और इसमें जो ऑयल डाला है वो हमने चलाई है पूरी 10,000 किलोमीटर और 10,000 के बाद अभी अपना ऑयल कैसा है वो भी हम अपने ब्लॉग के माध्यम से अपने ऑटो ड्राइवर भाइयों को बताने वाले हैं। तो ये अपने बालू भाई की गाड़ी है और इसका भी आज ऑयल चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं इसका भी ऑयल गिराने का काम शुरू है और इसका भी ऑयल जो है वो पूरा 10,000 किलोमीटर गाड़ी चली है और इंजन एकदम चकाटक है और इसका जो है 6 साल में, जैसे कि बालू भाई ने बताया था कि हमारे गाड़ी का जो काम है हमने 6 साल बाद किया था कि ये ऑयल डालने से आपके इंजन में काम निकलने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाला है। तो भाइयों एक बार ज़रूर ये ऑयल यूज़ कीजिए, यूज़ करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि यह ऑयल की खासियत क्या है। तो अपने गाड़ी का भी ऑयल अभी गिराने का काम शुरू हो रहा है और भाई बताना चाहता हूँ आज के ब्लॉग के माध्यम से कि अपने ऑटो ड्राइवर भाई है उनको मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप अपने गाड़ी में यह ऑयल लगाओगे उसके बाद फर्स्ट टाइम जब अपन ऑयल चेंज करते हो तो आप देख सकते हो कि अपना जो ऑयल है हमने 10,000 किलोमीटर चलाया, अपने इंजन में जो भी कचरा रहता है वो कचरा भी इसने बाहर फेंक दिया है और ये ऑयल की ऑयल जो है अपना थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो हम अभी ये भाई कुछ चीजों में ले रही है, जैसे कि हम इंजन ऑयल लगाते हैं अपनी गाड़ी में, कैस्ट्रोल का लगाते हैं और ये हम अमेजोन से मंगाते हैं, इसकी लिंक तो मैं देने वाला हूँ, लेकिन गियर में भी कौन सा ऑयल लगना चाहिए उसके बारे में भी मैं डिटेल देने वाला हूँ। तो भाइयों गियर ऑयल भी अपना जो है 140 का लगता है और वो आप भी याद रखिए, गियर के लिए गियर ऑयल ही चाहिए और अपने गाड़ी में कौन सा प्लग लगना चाहिए, क्योंकि अपनी फोर स्टॉक गाड़ी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है क्योंकि इसको आप अगर अच्छे से मेंटेन करोगे तो ये आपको तकलीफ़ देने वाली नहीं है। लोग बोलते हैं कि फोर स्टॉक गाड़ी बहुत मेंटेनेंस देती है, भाई मेंटेनेंस जीरो है, खाली आप उसको स्पेयर पार्ट ओरिजिनल पार्ट लगाइए आपकी गाड़ी आपको साथ देगी। तो ये अपने बालू भाई की गाड़ी है और इसमें भी हम यही ऑयल यूज़ करते हैं, आप देख सकते हो, और ये 2 लीटर उन्होंने भी अमेजोन से ऑनलाइन मंगा लिया था और ये ऑयल अभी गाड़ी में लगने वाला है। छोटू अपना बंदा है, नट खोल दिया है और इसका जो ऑयल निकला है वो ऑयल भी मैं बताना चाहता हूँ। यह ऑयल की जो चिकनाहट है, देखो काला तो हो गया लेकिन इसमें जो चिकनाहट है ना वो अभी भी बरकरार है और ये ऑयल जो है ना आपका 10,000 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी चली है और अभी भी ये ऑयल 2,000 किलोमीटर चल सकता है, ऐसा इधर जो ऑटो ड्राइवर भाई है उन्होंने बताया। लेकिन भाई हम 10,000 में इसलिए चेंज करते हैं, इसका रीज़न है 10,000 में अगर आप चेंज करोगे आपका इंजन अच्छे से रहेगा अंदर और इसमें जो अपना इंजन का घर्षण होता है उसका भी छोटा छोटा पार्ट उसमें आ जाता है और उसके चलते आपके इंजन का काम भी निकल सकता है। तो ये ऑयल डालने से आपके इंजन में जो है चिकनाहट रहती है और चिकनाहट रहने के कारण आपका इंजन जो है काम नहीं देता है। तो ये गाड़ी का भी हम अभी ऑयल चेंज कर रहे हैं। तो ये अपने बालू भाई की गाड़ी है और इसका भी ऑयल आज हम चेंज कर रहे हैं। तो अपना जो इंजन ऑयल है उसकी अपन लेवल चेक करने वाले हैं और लेवल जो है वो कितनी रहनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो अपना ये एल पॉइंट है, एल पॉइंट के ज़रा सा ऊपर और इसमें 1.7 इतना ऑयल बैठा है और 300 ग्राम अपना ऑयल बचा हुआ है वो हम रखेंगे टॉक ऑफ के लिए, क्योंकि क्या है अगर आप नई गाड़ी में डाल रहे हो तो आपको थोड़ा सा ऑयल की दिक्कत आ सकती है, टॉक अप करना पड़ेगा। तो जो 300 ग्राम ऑयल बचा है उसमें हम टॉक अप करते रहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो किलोमीटर चला था इसके पहले 27,635 इतना चला था और अभी जो चला है
वो है 38,028। तो भाई ये डिफरेंस है, और ये ऑयल हमने इतना 10,000 किलोमीटर क्रॉस हो गया अपना, और अपने अभी ऑयल हमने चेंज कर दिया है, और आगे हम दिखाएंगे कि 10,000 किलोमीटर के बाद फिर से ये ऑयल कैसे होता है। आपने देखा, आपने जो ऑयल लगाया वो तो ज़बरदस्त है, लेकिन क्या होता है ना, अपना जो गियर बॉक्स रहता है, गियर बॉक्स मतलब डिप्रेशन, उसको बोलते हैं डिप्रेशन, और डिप्रेशन ऑयल जो लगता है वो भी मैं बताना चाहता हूँ। हर बार अपने जो ऑटो ड्राइवर भाई है जो डिप्रेशन में ऑयल डालते हैं, वो ऑयल जो लगाते हैं वो ऑयल जो है बराबर नहीं है, 90 का लगाते हैं या कोई मिलता है लोकल ब्रांड वो लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आज के ब्लॉग के माध्यम से कि अपना जो डिप्रेशन है उसके अंदर कौन सा ऑयल लगाना है। तो ये है विडाल का ऑयल है, और ये विडाल का जो ऑयल है 140, ये आपको 1 लीटर का मिल जाएगा कहीं पर, ले लेना भाई। एक बार लोगे आपको साल भर ज़रूरत नहीं है कि अपने डिफरेंशियल का ऑयल चेंज करने की। तो भाई ये गियर बॉक्स में ऑयल लगता है, और ये ज़बरदस्त ऑयल है, एक बार आप यूज़ करके देखिए। आपके गियर का जो आवाज़ आती है, ज़्यादातर ड्राइवर भाई 90 का डालते हैं, और 90 का जो है हर बार पलटी कर देते हैं, लेकिन ये जो ऑयल आप लगाओगे विडाल का, ये ऑयल में वो खासियत है कि आपका गियर बॉक्स में वो रनिंग में आवाज़ नहीं करेगी, और आपके जो गियर है वो भी सही से गिरेंगे। तो भाई यही सब टेक्निकल इशू लेके मैं अपना वीडियो बनाता हूँ या ब्लॉग बनाता हूँ, अपने ड्राइवर भाइयों को मोटिवेट करने के लिए, और छोटे मोटे बिजनेसमैन को बढ़ाने के लिए अपना चैनल काम कर रहा है। तो भाइयों अपने गाड़ी में क्या क्या लगाना है इसकी तो मैं पूरी जानकारी अपने ब्लॉग के माध्यम से देता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूँगा अपने ऑटो ड्राइवर भाइयों को कि भाई अपना जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो ड्राइवर भाइयों को फॉरवर्ड कीजिए, और जो भाई नए नए अपने चैनल के साथ जुड़े तो अपने चैनल को छोटा सा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में मुझे आप बताओगे कि आपके गाड़ी में क्या क्या इशू आते हैं, तो उसके ऊपर मुझे ब्लॉग बनाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और अपनी जो गाड़ी है उसमें प्लग भी लगते हैं, वो प्लग के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपके गाड़ी में कौन से प्लग अच्छे हैं और कौन से प्लग खराब है। तो चलिए भाइयों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में।